नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर उत्तराखंड से है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के नवनिर्मित हेलीपैड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश परिसर में हेलीपैड बनने से गंभीर रोगियों एवं दुर्घटना होने पर घायलों को हेली सेवा से अस्पताल लाने में सुविधा होगी। एम्स ऋषिकेश में इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। हेली से उतरने के बाद मरीज को मात्र 9 मिनट में एम्बुलेंस से ट्रामा सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। अतिवृष्टि होने पर राज्य में आपदाएं अधिक होती हैं। पहाड़ी टेरिंग होने से दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं। दुर्घटना होने पर लोगों को हेली सेवा से उपचार के लिए जल्द एम्स लाने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि पिछले 3 सालों में प्रदेश में 100 से अधिक लोगों की जान हेली सेवा से सीधे अस्पताल में लाकर बचाई गई है। इसके लिए सरकारी हेलीकॉप्टर एवं किराए पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश देश का पहला ऐसा संस्थान है जहां परिसर के अंदर हेलीपैड की सुविधा है। कोरोना काल में आशा, आंगनबाड़ी, नर्स एवं डॉक्टर और स्वच्छता कर्मचारी जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, वो जनता के लिए देवदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। एम्स ऋषिकेश की पहुंच दुर्गम स्थानों के मरीजों तक होनी चाहिए। इस अवसर पर एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों ने हेली सेवा के मरीजों को लाने एवं एम्बुलेंस से ट्रामा सेंटर तक ले जाने की प्रक्रिया का मॉक ड्रिल भी किया। एम्स हेलीपैड के उद्घाटन में विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश श्रीमती अनिता ममगाई, एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत, मुख्यमंत्री उद्यान सलाहकार श्री दीप श्रीवास्तव, तो तकनीक सलाहकार डॉक्टर नरेंद्र सिंह, एम्स के डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर यूवी मिश्रा आदि उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।